हाय गाइस एंड स्वागत है आपका एक यारो के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से और उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे अपने परिवार के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो बात करता है बैटल्स ऑफ सिंगर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जब भी सॉन्ग के बीच में बैटल होता है तो बहुत मज़ेदार होता ही है, और इंडिया पाकिस्तान का बैटल भी हमने देखा है, चाहे वो क्रिकेट मैच हो, ऑटोमेटिकली जो एनर्जी है वो बहुत हाई हो जाती है। और यहाँ तो आज हम बैटल देखने जा रहे हैं सिंगिंग की। आई एम श्योर ये भी ज़बरदस्त होगी क्योंकि पाकिस्तानी सिंगर्स की भी जो सुर होते हैं ना, माई गॉड। फॉर एग्ज़ाम्पल आतिफ असलम, उनकी तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बट देखते हैं कौन कौन से सिंगर्स को बेसिकली इस वीडियो में चूज़ किया गया है और कैसी रहती है इंडिया पाकिस्तान की ये सिंगर्स की बैटल। तो बिना देरी किए हुए आइए इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। ऑल्सो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करिए, और आप अपने सजेशंस मुझे इसी तरह भेजते रहिए ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ को देख के अपने शाम को इन्जॉय कर सकूँ आफ्टर वर्क। सो लेट्स स्टार्ट। तैयार की खिंच खिंच के निशाने हूँ मैं मारती, खुद ज्यादा तू उम्मीद मत रख सोने, ज्यादा तू उम्मीद मत रख सोने, तेरा लेवल नहीं मेरे यार वर्गा, मुंडिया नु सूली उत्ते टंगी रख दे मेरा नखरा है तिक्की तलवार वर्गा, मुंडिया नु सूली उत्ते टंगी रख दे मेरा नखरा है तिक्की तलवार वर्गा। इश्क ने जला दिया सब कुछ, मिला दिया इश्क ने देखो कैसा अपना हाल बना दिया, बेचैन हर सुबह हर शाम बेवफा, जब से दूर माही मेरा हर पल है इम्तिहान, मुझे लग गया कैसा जो, मुझे लग गया कैसा जो, मेरे बचने मलिक। वाह ये अच्छा होने वाला है। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं, मैं किसी से कहूंगा नहीं। मैं सुनिया उच्चिया दीवारा रखिया नी तू दिल दे चार चफेरे, नाले सांब के रख दी कोई दिल च ना ला ले डेरे। मैं सुनिया पहला भी दिल टूटिया, दिल टूटिया तेरा एक बारी, ताई दिल दी दीवारा ते तू एक ना बनाई बारी। गुरु रंधावा वर्सेस फलक शब्बीर, ये मजेदार होने वाला है। ओ लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब ना हस दिया, ओ लगदी पंजाब दिया जिस हिसाब ना तक दिया, ओ लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब ना हस दिया, कुड़ी दा पता करो किड़े पिंड दिया किड़े शहर दिया, लगदी लाहौर दिया रब्बा एक वारी यार मिला रब्बा एक बारी यार मिला दे, फिर पावे जान ले लवी, फिर पावे जान ले लवी। अंकित तिवारी शाहिर अली बग्गा। ओके
तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे गलियां तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां वो ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां ये ना जा ना जा रे ना जा रे मेरे दिल के सहारे मुझे छोड़ के मुख मोड़ के तू ही मेरा अपना रे तुझको ये पता रे नहीं तोड़ते दिल जोड़ के तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे तू क्या जाने नेहा कक्कड़ कुरातुल ब्लूच वाव मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है सदा रहना दिल में परी होके असा नाजुक दिल दे लोक हाँ सड़ा दिल ना यार दुखाया कर ना झूठे वादे की ताकत ना झूठिया कसमा खाया तेन किन्नी वारी आखिया सानू वल वल नाज माया कर तेरे प्यार दे विच मैं मर जा सा मैनू ना याद ना आया कर जुबिन नौटियाल असीम अजहर जुबिन नौटियाल माय गॉड हम नवा मेरे तू है तो मेरी सांसें चले बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना हो हम नवा मेरे तू है तो मेरी सांसें चले बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना प्यार था वक्त नहीं जो बीत गया दो पल में रहे फरियाद रहेगा दिल में क्यों अब एक लफ्ज नहीं दिल कहने की हालत में सोचा कहूंगा एक दिन जो तू ना मिला मुझे श्रेया घोषाल एंड मुमीना मुस्तिसान अपने करम की जाने कैसे बांधी तूने अखियों के डोर मन में रखे चा चलाया तेरी ओर मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों के शाम मेरा सब कुछ है प्यार से तेरे नाम नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ राहत फतेह अली खान कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है ये लम्हा कहाँ था मेरा अब है सामने इसे छू लूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा दिल लगी भूत जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूत जानी पड़ेगी कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो तुम्हें दिल लगी भूत जानी पड़ेगी अरिजीत सिंह एंड आतिफ असलम क्या कंपैरिजन है मैं फिर भी तुमको चाहूंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा।
चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफान को ही कश्ती का साहिल बना दिया, बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। ओ साथी तेरे बिना राही करा दिखे कंपैरिजन हुए हैं कि मतलब उन दो लोगों में कोई मेल ही नहीं है, कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं हुआ। यहाँ भाई दोनों ही दोनों वर्सटाइल सिंगर हैं, और यहाँ पे तो मुझे इंडिया पाकिस्तान का करने का कोई मतलब नहीं समझ में आता। दिस इज़ अ नेचुरल आर्ट, एक टैलेंट है, और जिस भी इंडिविजुअल में टैलेंट है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जितने भी लोगों को यहाँ पे दिखाया गया, सब ने अपने वर्ल्ड में, अपने एरिया में बहुत नाम कमा के रखा है। सो लेट्स रिस्पेक्ट अबाउट द टैलेंट, एंड बहुत अच्छे, चाहे वो पाकिस्तान के हो भी। हर बार मैंने तो बोला था पाकिस्तान के लोग कितना बढ़िया गाना गाते हैं, आतिफ असलम तो पता नहीं कितने इंडियंस को पसंद है। तो फिलहाल ये कंपैरिजन नहीं, बट गाने सुन के तो मुझे बहुत मज़ा आ गया, और इसमें से बहुत सारे लोग मेरे फेवरेट है, जैसे अंकित तिवारी, आतिफ असलम को मैं सुनना पसंद करूँगी, राहत फतेह अली खान हम सबके फेवरेट है, कितने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स उन्होंने गाए हैं। सो आई रियली सल्यूट टू देम फॉर देयर टैलेंट, एंड लेट्स रिस्पेक्ट देयर टैलेंट। बट मुझे तो कुछ बहुत अच्छा लगे, आपको इनमें से कौन से बेस्ट सिंगर्स लगे? कुछ तो बहुत वर्ल्ड स्टाइल सिंगर थे, एंड स्पेशली जो कोक स्टूडियो का गाना था ना आफरीन आफरीन, आई नेवर न्यू दैट कि वो किसी पाकिस्तानी ने गाया था, आई थॉट इट मस्ट बी सम इंडियन सॉन्ग, बट वाव यार अमेजिंग। सो यहाँ पे कोई कंपैरिजन तो मैं नहीं कहूँगी, बट ओवरऑल सुन के, वीडियो देख के दिल खुश हो गया, बड़ा मज़ा आ गया, और मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही थी, आपने मुझे देखा होगा। बट आई वुड लाइक टू नो कि आपका फेवरेट कौन है इसमें, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने परिवार के साथ रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।